रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं ज़रा एक मशीनों से हट के बात कर रहा हूँ, जो मेरा टॉपिक नहीं है। कि मेरा काम है मशीनों का, मैं मशीनों में काम करता हूँ, तो मशीनों की आपको वीडियो दिखाता रहता हूँ। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ मशीनों से ज़रा हट के। ये जो मौसम के हालात हैं, जो बारिशें हो रही हैं पूरे पाकिस्तान में, इस पर ज़रा बात करना चाह रहा हूँ मैं। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है आपको, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, मगर पूरी सुन ज़रूर लें। अगर पूरी सुन लेंगे, किसी को शेयर कर देंगे, शायद किसी तक मेरी बात ये पहुंच जाए। मैं इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं 150, 200, 400, 500 या लाखों लोगों की किसी मदद कर सकूं। हाँ, जितना मुझसे हो सकता है मैं ज़रूर करता हूं, ठीक है। मगर अभी ना कोई मीडिया भी दिखाया जा रहा है, ना कोई सोशल मीडिया भी दिखाया जा रहा है, कहीं भी कुछ नहीं दिखाया जा रहा कि जितने सैलाब आ रहे हैं, जितने सैलाब ज़दगान, मैंने कुछ देखा भी है न्यूज़ वगैरह में, तो बहुत सारे बच्चे जो इंतकाल कर गए बेचारे, सही है, और बहुत सारे बंदे डूब गए, बहुत लोगों का, लाखों करोड़ों रुपए का लोगों का नुकसान हो गया है, मगर कोई कुछ नहीं बोल रहा। हर बंदा अपने अपने खुदा को बचाने के चक्कर में लगा हुआ है, सही है। अब जिससे बात कर ली जाए या जो भी है, मीडिया पर दिखाया क्या जा रहा है, इमरान खान ये कर रहा है, नवाज़ ये कर रहा है, शहबाज शरीफ ये कर रहा है, मरीम नवाज़ ये कर रही है, फ़लाना ये कर रहा, फ़लाना ये कर रहा, फ़लाना ये कर रहा है, मगर किसी को भी आवाम का नहीं है एहसास। अवाम का किसी को एहसास नहीं है, और अवाम का एहसास अवाम ने खुद ही करना है। इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, इतने बड़े बड़े लोग पैसा कमाने वाले हैं, करोड़पति लोग हैं इस दुनिया में, इस पाकिस्तान के अंदर अंदर की बात कर रहा हूँ। अगर सारे लोग भी खड़े हो जाए ना, तो पाकिस्तान से गुरबत ख़त्म हो सकती है, मगर गुरबत ख़त्म करना बहुत दूर की बात है। ये कर कुछ नहीं कर रहे, सही है, मगर ये करना भी कुछ चाह रहा है ना, तो हम लोग, हमारे जो इतने बड़े बड़े सरबराह हैं ना, वो करने नहीं देंगे, मुझे ये बात का पता है, सही है ना। मगर होना चाहिए, बहुत लोग मर रहे हैं, बहुत तबाही हो रही पूरे पाकिस्तान में, ख़ाव बलूचिस्तान है, ख़ाव सिंध है, ख़ाव पंजाब के कुछ इलाके हैं, मगर बहुत तबाही हो रही है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। खुदा का वास्ता बोलें, खुदा के वास्ते बोलें, किससे बात करें, कुछ करें, उनकी मदद करें। बहुत छोटे छोटे बच्चे भूख से मर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। जानवर मर गए, इंसान मर गए, जानवरों का एहसास होगा लोगों को पहले होगा, सही है। कहीं कुत्ता मर रहा होगा, उसकी वीडियो बन जाएगी कि कुत्ता मर रहा है, कुत्ते को ये, कुत्ता ये, कुत्ता ये, और इंसान की एहसास नहीं किसी को भी। खुदा का वास्ता इंसान का एहसास करें, खुदा का वास्ता किसी के लिए कुछ करें। अगर कोई साहिब हैसियत कुछ कर सकता तो ज़रूर करें, खुदा के लिए करें। आपने भी कल मरना है, आपने भी कल जाकर अल्लाह को जवाब देना है। इस टाइम JDC वाला कर रहा है, अगर कुछ कर रहा है तो JDC वाला सिर्फ कर रहा है, आलमगीर वाले कर रहे हैं, जमात इस्लामी वाले कर रहे हैं, कैंप लगे हुए हैं, लब्बैक वालों के कैंप लगे हुए हैं, जहां आप जो दे सकते हैं, आप सिर्फ इस नीयत से दें कि आप अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। या लोग देते हुए सोचते हैं कि पता नहीं उन तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, वहां लोगों तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, ये लोग खा जाएंगे, ये सारे खाऊ पीर हैं, और ये पीर हैं, वो पीर हैं, ऐसा मत सोचें। खुदा का वास्ता ऐसा मत सोचें, किसी की मदद करें। बेशक आप एक रुपये की मदद कर दें, एक रुपये की कर दें, आपका बच्चा 10-20-50 रुपए के खा के थूक देता है, आप रोज़ का गुटखा मावा पान छलिया खा के थूक देते हैं। किसी की 50 रुपए की मदद कर दें, किसी के अकाउंट में डाल दें, JDC के अकाउंट में डाल दें, आपका वहाँ तक पैसा पहुँचे ना पहुँचे, मगर आपका पैसा अल्लाह तक ज़रूर पहुँचेगा। अल्लाह जानता है आपकी नीयत, और अल्लाह आपका इसको बहुत अजर देगा। खुदा का वास्ता कुछ करें। बस आज की मेरी वीडियो इतनी तक ही है मेरा भाई। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर शेयर करें, ताकि किसी तक मेरी ये बात पहुँच सके। मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस खुदा का वास्ता मेरी वीडियो को आगे शेयर करें।